तो भाई और बहनों फाइनली यार एक बार फिर से अब तक की सबसे मोस्ट अवेटेड और डिमांडेड वीडियो में लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो में यार हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2022 के जुलाई अटेम्प्ट की सभी 10 शिफ्ट्स की अपडेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ये वाली वीडियो यार मैंने काफी सारी रिसर्च के साथ में बनाई है और साथ ही साथ यार एचओडी लेवल के टीचर्स का भी एनालिसिस इसके अंदर इंक्लूडेड है। जब यार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों को यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मोस्ट एक्यूरेट डाटा जो है मिलने वाला है सभी 10 शिफ्ट्स के लिए, जो कि यार आप लोगों की 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में हुई है। और साथ ही साथ यार मोस्ट इंपोर्टेंटली वीडियो के एंड के अंदर हम लोगों ने कट ऑफ फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ परसेंटाइल जो डिस्कस करी है ताकि यार आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो यार आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मैं जो डाटा आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ यार वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ में बनाया गया है और साथ ही साथ इस डाटा को एनालाइज करने के अंदर इन सभी पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये डाटा जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा गया है। और यार टीचर्स के द्वारा कंप्लीट पेपर एनालिसिस के बाद ही मैं आप लोगों के सामने ये डाटा जो है दिखाने जा रहा हूँ। और भाई और बहनों साथ ही साथ यार इस वाले डाटा को यार बनाने के अंदर मैंने जून अटेम्प्ट की भी सभी प्रीवियस शिफ्ट्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करा है और यार जुलाई अटेम्प्ट के भी सभी पेपर्स को बहुत ही अच्छे से रिव्यू करा गया है। उसके बाद यार मैं आप लोगों के सामने ये डाटा जो है पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों सबसे पहले यार जो भी आप लोगों की जुलाई अटेम्प्ट की सभी 10 शिफ्ट्स हुई थी 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में, उन सभी 10 शिफ्ट्स को यार मैंने टोटल 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास यार इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के सभी पेपर्स हैं। साथ ही साथ यार दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स इसके अंदर रखे गए हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स आप लोगों के लिए रखे गए हैं। और फोर्थ कैटेगरी है जिसके अंदर यार मात्र एक पेपर आप लोगों को देखने को मिला था जो कि यार आप लोग डिफिकल्ट या जो है सबसे टफेस्ट पेपर कह सकते हैं जुलाई अटेम्प्ट के अंदर। तो भाई और बहनों इन सभी फोर कैटेगरीज के अंदर सभी पेपर्स को डिवाइड करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस बनाया है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम जो है पहली कैटेगरी के बारे में बात करें जिसके अंदर यार इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पेपर रखे गए हैं, इसके अंदर यार मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के रिएक्शन के हिसाब से और टीचर्स के एनालिसिस के बाद यार दो शिफ्ट इसके अंदर रखी गई हैं, जिसके अंदर है 25 जुलाई शिफ्ट वन का पेपर और 26 जुलाई शिफ्ट वन का पेपर। तो इसके अंदर यार आप लोग देख सकते हैं यार 80 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 64-66 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे। 90 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 85-88 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यार जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जहां से एनआईटीज के अंदर जो है एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है 95 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को यार इन दो पेपर्स के अंदर 120 से लेकर 125 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली स्कोर करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ यार अगर हम बात करें 97 परसेंटाइल के लिए जहां से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टूप की एनआईटीज के अंदर एक डिसेंट ब्रांड मिलना शुरू हो जाती है उसके लिए यार आप लोगों को 145 से लेकर 148 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप लोग यार इन दोनों शिफ्ट के अंदर 97 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए भाई और बहनों अब हम बात कर लेते हैं जिस चीज की जंग यार 99 परसेंटाइल के लिए टॉप की एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर सीएससी और आईटी जैसी ब्रांचेस लेने के लिए 180 से लेकर 190 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट यार 99 परसेंटाइल है। फर्दर ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें टॉप मोस्ट एनआईटी टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी के अंदर टॉप मोस्ट ब्रांच सीएससी जैसी ब्रांच के लिए 99.5 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को इन दोनों शिफ्ट्स के अंदर 200 से लेकर 210 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट 99.5 परसेंटाइल है। और साथ ही साथ भाई और बहनों और कंप्लीट डाटा यार आप लोग जो है स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें इन दोनों शिफ्ट्स के लिए सभी कैटेगरीज के लिए ताकि आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके तो आप लोग स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 82 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 58-60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली लाने पड़ेंगे, एससी कैटेगरी वाले भाई और बहनों को 38-40 मार्क्स पर भी यार जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी 32 से लेकर 35 मार्क्स भी अगर इस शिफ्ट के अंदर ले आते हैं तो जेई एडवांस 2022 का पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट यार भाई और बहनों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी वाले पेपर्स के लिए जिसके अंदर यार हम लोगों ने मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स को रखा है। इसके अंदर यार आप लोगों को 25 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर, 26 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर, 28 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर, 28 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर और 29 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर, ये सभी पेपर्स यार काफी सारी एनालिसिस और रिसर्च के बाद यार मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी लेवल के अंदर रखे गए हैं। ये यार थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए कि भैया मेरी वाली शिफ्ट जो है इस कैटेगरी के अंदर क्यों रख दी
और जो है मेरी वाली शिफ्ट उस कैटेगरी के अंदर क्यों रख दी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं यार, ये कंप्लीट एनालिसिस मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के रिएक्शन के हिसाब से और टीचर्स के एनालिसिस के बाद ही रखा गया है, तो यार आप लोग जो है इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अंदर यार आप लोग देख सकते हैं 85% के लिए 68-70 मार्क्स आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर लाने पड़ेंगे। 90% के लिए भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, 82-84 मार्क्स भी अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर स्कोर कर लेते हैं तो आराम से 90% स्कोर कर लेंगे। 97% के लिए बात करें, जहां से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टॉप की एनआईटीज के अंदर एक डिसेंट ब्रांड मिलना शुरू हो जाती है, तो आप लोग यार अगर इस शिफ्ट के अंदर 135-138 मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग आराम से 97% स्कोर कर लेंगे। चलिए भाई और बहनों, अब हम बात कर लेते हैं जिस चीज की जंग है टॉप की एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अंदर सीएससी और आईटी जैसी ब्रांचेस लेने के लिए। 99% के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 170-175 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप लोग 99% की क्लब के अंदर शामिल होना चाहते हैं। फर्दर ऑनवर्ड्स अगर हम जो थोड़ा सा और आगे बात करें 99.5% के लिए टॉप मोस्ट एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अंदर टॉप मोस्ट सीएससी जैसी ब्रांच के लिए 195-205 मार्क्स जो है आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर गेन करने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट 99.5% है। तो चलिए भाई और बहनों, इन सभी शिफ्ट्स के लिए यार कट ऑफ भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यार आप लोग जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यार अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर 78-80 मार्क्स भी ले आते हैं तो आप लोग यार जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और सभी कैटेगरीज की भी कट ऑफ यार आप लोग स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यार अब हम जो आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जिसके अंदर यार मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स को एनालाइज करके रखा हुआ है, जो कि यार आप लोग देख सकते हैं 27 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर और 29 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर। ये दोनों पेपर यार काफी अच्छे पूछे गए थे डिफिकल्टी लेवल के अंदर, इसलिए इनको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में रखा है। इसके अंदर यार आप लोग देख सकते हैं यार 90% के लिए आप लोगों को 78-80 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ परसेंटाइल भी रहने वाली है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं 97% के लिए, जहां से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टॉप की एनआईटीज के अंदर एक डिसेंट ब्रांड मिलना शुरू हो जाती है, तो आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 130-135 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, अगर हम बात करें जिस चीज के लिए जंग है यार टॉप की एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अंदर सीएससी और आईटी जैसी ब्रांच के लिए 99% के क्लब के अंदर शामिल होने के लिए आप लोगों को रिलेटिवली कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। 165-170 मार्क्स भी अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग यार आराम से इस शिफ्ट के अंदर 99% अचीव कर लेंगे। भाई और बहनों, आप लोगों को यार इन सभी कैटेगरीज के अंदर यार मार्क्स परसेंट परसेंटाइल के अंदर काफी ज्यादा डिप देखने को मिल रहा होगा। ये वाली चीज यार दो रीजंस की वजह से हो रही है। सबसे पहले तो यार इस साल पहली बार इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है। सेकंड रीजन ये है कि यार थोड़े से अच्छे लेवल के पेपर्स आप लोगों से पूछे गए हैं, इस वजह से मार्क्स परसेंटाइल के अंदर आप लोगों को काफी डिप देखने को मिल रहा होगा और रिलेटिवली लोअर मार्क्स पर भी यार आप लोग अच्छी परसेंटाइल जो स्कोर कर सकते हैं। 99.5% के लिए अगर हम जो है इन दोनों शिफ्ट्स के लिए बात करें तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 190-200 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट यार 99.5% है और आप लोग टॉप मोस्ट एनआईटी, टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज के अंदर टॉप मोस्ट सीएससी जैसी ब्रांच आराम से लेना चाहते हैं। अगर हम जो सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ जो डिस्कस करें ताकि आप लोग जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके, तो आप लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली 74-76 मार्क्स इन दोनों शिफ्ट के अंदर लाने पड़ेंगे अगर आप लोग जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की भी कट ऑफ आप लोग स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम जो है बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी के बारे में, जिसके अंदर यार आप लोगों को अब तक का टफेस्ट पेपर या फिर डिफिकल्ट पेपर आप लोग कह सकते हैं, जो कि यार जुलाई अटेम्प्ट के अंदर आप लोगों को एक ही पेपर देखने को मिला, जो कि यार आप सबको पता है कौन सा पेपर था, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर। भाई और बहनों, इसके अंदर आप लोगों को पता है यार कितना डिफिकल्ट पेपर आप लोगों से पूछा गया था और मैथ्स का पेपर यार लगभग एडवांस लेवल को जो है टच कर रहा था। इसके अंदर अगर हम जो है मार्क्स और परसेंटाइल के बारे में बात करें तो आप लोग यार स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, रिलेटिवली लो मार्क्स पर भी आप लोगों को काफी अच्छी खासी परसेंटाइल देखने को मिल जाएगी। 85% के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 62-65 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। 90% के लिए अगर हम बात करें, जो कि कट ऑफ परसेंटाइल रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 75-77 मार्क्स लाने पड़ेंगे। भाई और बहनों, अगर हम जो बात करें जहां से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है 95% के लिए, आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 100-105 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट यार 95% है। तो चलिए भाई और बहनों, अगर हम बात करें जिस चीज के लिए जंग टॉप की एनआईटीज, टॉप की ट्रिपल आईटीज के अंदर सीएससी और आईटी जैसी ब्रांच लेने के लिए 99% के क्लब के अंदर शामिल होने के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर यार अप्रोक्सीमेटली 162-165 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट यार 99% है। और साथ ही साथ यार फर्दर ऑनवर्ड्स अगर हम जो थोड़ा सा और हायर लेवल पर जाएं 99.5% के लिए टॉप मोस्ट एनआईटीज, टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज के अंदर टॉप मोस्ट सीएससी जैसी ब्रांच के लिए
आप लोगों को भाई और बहनों इस शिफ्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 185 से लेके 190 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे। अगर आप लोगों का टारगेट यार 99.5% है, आप लोग देख सकते हैं इस शिफ्ट के अंदर कितने ज्यादा रिलेटिवली लो मार्क्स पर भी एक अच्छी खासी परसेंटाइल आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये वाली चीज यार इसलिए हो रही है क्योंकि यार काफी डिफिकल्ट पेपर आप लोगों से पूछा गया था। साथ ही साथ यार अगर इस शिफ्ट के लिए हम जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें सभी कैटेगरीज के लिए, ताकि आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके, तो आप लोग स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली 70 से लेकर 72 मार्क्स जो इस शिफ्ट के अंदर स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले भाई और बहनों को भी अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 52 मार्क्स जो लाने पड़ेंगे अगर आप लोगों का टारगेट यार जेई एडवांस 2022 का पेपर देना है। भाई और बहनों फाइनली यार हम लोगों ने जुलाई अटेम्प्ट की सभी 10 शिफ्ट्स की अपडेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो डाटा डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ यार आप लोग मान सकते हैं जुलाई अटेम्प्ट की मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ये मोस्ट रिलायबल डाटा होने वाला है, क्योंकि भाई और बहनों यार मैंने इसे काफी ज्यादा रिसर्च के साथ में बनाया है, सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करा है, जून अटेम्प्ट की भी सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करा है, तो यार ये आप लोगों के लिए मोस्ट प्रिसाइज डाटा जो रहने वाला है। तो चलिए यार जल्दी सी अब हम जो बात कर लेते हैं कट ऑफ परसेंटाइल क्या रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यार आप लोग जो है जेई एडवांस 2022 के लिए एलिजिबल हो सके। तो भाई और बहनों अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यार जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 89% भी ले आते हैं, तो यार ये आप लोगों के लिए सेफ कट ऑफ परसेंटाइल रहने वाली है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ फायदा देखने को मिल जाएगा, 69% यार आप लोगों के लिए सेफ कट ऑफ परसेंटाइल रहने वाली है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए। वैसे यार इससे कम ही जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को सेफ कट ऑफ परसेंटाइल बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है नहीं जाने वाली है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए सेफ कट ऑफ परसेंटाइल 70 रहने वाली है, इससे ज्यादा यार मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कट ऑफ परसेंटाइल देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी कैटेगरी वाले भाई और बहनों को तो काफी ज्यादा फायदा यहाँ देखने को मिल जाएगा, 50% के अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप लोग जेई मेंस 2022 अटेम्प्ट के अंदर स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग मान सकते हैं यार जेई एडवांस के लिए आप लोग आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि यार सेफ कट ऑफ परसेंटाइल मैंने आप लोगों के लिए बताई है। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी यार अप्रोक्सीमेटली 40% ही लानी है, ताकि यार आप लोग जेई एडवांस का पेपर दे सकें। तो भाई और बहनों फाइनली यार यही थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने जुलाई अटेम्प्ट की सभी 10 शिफ्ट्स का मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस भी डिस्कस करा, और साथ ही साथ यार डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जो डिस्कस करे, और यार कट ऑफ परसेंटाइल भी सभी कैटेगरीज के लिए डिस्कस करी, ताकि यार आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके। भाई और बहनों अभी जाइए और जाके बताइए यार ऑफिशियल आंसर की को चेक करने के बाद आप लोगों के जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट के अंदर कितने मार्क्स जो है आ रहे हैं, ताकि यार मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंटाइल जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट के अंदर आ सकती है। साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक करना न भूले, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।